करा के हमारे कोरोना जांच नहीं के भाई कह रही और रिपोर्ट दे दे ले बन जा गलत बात कहले बन। बिहार में सुशासन बाबू के सरकारी अस्पताल का लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां रोहतास जिले के संझौली में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिना सैंपल लिए ही एक ही परिवार के दो सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की इस करतूत ने परिवार वालों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है। इस बारे में जब परिवार के सदस्यों को पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव है तो उनके पैर तले जमीन खिसक गई। परिवार इस बात को समझ नहीं पाए कि बिना सैंपल लिए ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें कैसे पॉजिटिव घोषित कर दिया गया। जाहिर है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण ही दोनों परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा है। परिवार वालों को इसकी जरा भी भनक नहीं थी कि वह कोरोना पॉजिटिव हैं, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा उनका कोई सैंपल लिया ही नहीं गया था। लेकिन अचानक घर पर प्रशासन के लोग पहुंचे और महिला और उसके पति को कोरोना वायरस का मरीज बता दिया और सरकारी हुक्मरानों ने परिवार वालों को हुक्म देते हुए होम क्वारंटाइन रहने का आदेश सुना दिया। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को लगी कि परिवार वाले का सैंपल लिए बिना ही रिपोर्ट पॉजिटिव दे दिया गया है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा परिवार वालों को फोन कर इस बात का भरोसा दिलाया जाने लगा कि उनका नाम गलती से आ गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के इस गलती के बाद सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से नहीं बात किए हैं कि जब मेरी मम्मी रिपोर्ट दी नहीं है तो फिर कैसे आ गया? नहीं, कर्मचारी का फोन आया है मेरे पास, तो मतलब वो बोले मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरी बहन से बात हुआ है, तो वो बोले है ना कि हम ठीक है, गलती से हो गया है, हम नाम हटा दे रहे हैं। लड़का कहला ना कि मम्मी तुम्हारा कोरोना आया, हम कहीं हम गए नहीं कि हमारे कोरोना आई बाकी से मैंने आप जांच के लिए नहीं गई थी? ना गई। कोरोना आ गया है? आ गया था, लेकिन वो आई नहीं थी और उसके बदले में किसी दूसरे का जांच किया गया था, लेकिन उसका नाम उसमें चेंज नहीं किया जा सका, जो आपको कंप्यूटर चलाता है उसके द्वारा, और उसका जो उसको जिसको लोग बोले उसका नाम बदला गया है वहाँ पर चेंज नहीं, गलती से चेंज नहीं हो सकता। तो जिस महिला का सैंपल गया था उसका नाम वहाँ नहीं लिखा गया, दूसरी महिला का नाम डाल दिया गया,